मैं जिले के सभी नागरिकों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिस तरह से कई बार सोशल मीडिया पर ये भ्रामक प्रचार हो रहा है बार बार कि यमुनानगर में किसी गली में किसी जगह पे जो है कोरोना वायरस से पीड़ित मरीज हैं, तो अभी तक हमने टोटल 18 सैंपल जो हैं वो भेजे थे, जिनमें से 16 की रिपोर्ट हमारे पास आ चुकी है। दो सैंपल कल भेजे गए थे, जो 16 की 16 रिपोर्ट आई वो सभी की सभी नेगेटिव है, और जो कल हमने सैंपल भेजे गए थे उनकी भी आज शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी। तो फिलहाल अब समय तक यमुनानगर में एक भी पॉजिटिव केस कोरोना का नहीं है। इसके अलावा जो घरों पर लोगों के वो लगाए जा रहे हैं वो सिर्फ वो लोग हैं जिनकी की ट्रेवल हिस्ट्री है, जो बाहर से विदेश से घूम कर आए हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को 28 दिन तक आवश्यक सर्वेलेंस में रखना है। उनके 28 दिन तक किसी भी समय जो है वो कोरोना, अगर वो उनमें कोई हिस्ट्री होती है वहाँ से कॉन्टैक्ट की, तो लक्षण आ सकते हैं। सिर्फ एहतियात के तौर पर उन लोगों को आइसोलेशन में होम क्वारंटाइन में रखा हुआ है। अभी वो पीड़ित मरीज नहीं है, वो भी मरीज भी नहीं है, क्योंकि जब भी उनमें कोई लक्षण आएंगे तुरंत स्वास्थ्य विभाग उनकी जांच करने के लिए सैंपल भेजेगा। तो ये जो बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से ये भ्रामक प्रचार हो रहा है कि यमुनानगर में इतने पॉजिटिव हैं, मेरा विशेष तौर पर ऐसे लोगों से अनुरोध है कि इस तरीके का भ्रामक प्रचार ना करें। वैसे भी एपिडेमिक एक्ट के तहत एक पनिशेबल ऑफेंस है।